नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का न्यू बॉर्न बेबी कैप बनाना बताऊंगी और ये बनाने में आसान है, आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हो। और इसमें मैंने दो कलर यूज किए हुए हैं और इसकी मैंने टोटल 10 रो बनाई हुई हैं और 12 डबल क्रोशेट से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इसके ऊपर 12 मैंने और बढ़ा दिए, 24 और फिर 36 हो गए 12 बढ़ाए, तो यहाँ तक मैंने 4 रो तक बढ़ाया है और मेरे पास 48 यहाँ तक डबल क्रोशेट बन गए हैं। और आगे जो मैंने 6 रो बनाई है उसमें मैंने कुछ भी बढ़ाना नहीं है, वो मैंने बिना बढ़ाए हुए सिंपल लाइन बनाई हुई है यहाँ तक, तो टोटल यहाँ तक मेरे पास 10 रो बन गई हैं। और दो मैंने यहाँ पे फ्लावर बना के लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो, और ये फ्लावर बनाने में बहुत आसान है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, बना सकते हो। और ये कैसे बनानी है आज हम ये बनाएंगे, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 चेन ली हुई हैं और अभी मैं यहाँ पे लास्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच करूंगी और एक छोटा सा लूप तैयार करूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लूप बना लिया है और अभी मैं 3 चेन लूंगी। देखिए मैंने 3 चेन बना ली, इसी लूप में मैंने यहाँ पे 11 बार और डबल क्रोशेट करना है और एक चेन हो जाएगी, तो टोटल ये मेरे पास 12 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसी लूप में 11 बार डबल क्रोशेट करूंगी और एक मेरी चेन हो जाएगी, तो ये मेरे पास 12 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो लास्ट तक आपने ऐसे बनाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अभी जो मेरी थर्ड चेन है यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करूंगी ऐसे। देखिए इस तरह से मेरा पैटर्न आएगा। इसके आगे मैं ब्राउन कलर का थ्रेड यूज करूंगी सेकंड रो के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लगाया है और अभी मैं यहाँ पे 12 के ऊपर 12 और इंक्रीज करूंगी, 24 यहाँ पे डबल क्रोशेट करूंगी, तो मैं एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशेट बनाऊंगी तभी जाके मेरे 24 होंगी। तो इसी चेन में मैंने 2 बार किया, अभी नेक्स्ट चेन में मैं ये देखिए 2 बार और बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार किया, तो ऐसे आपने हर एक चेन में 2 बार बनाते हुए जाना है। एक बार किया और फिर मैंने यहीं पर ये देखिए 2 बार बनाया, तो आपके पास यहाँ पे ऑल राउंड यहाँ तक आपके पास 24 हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने अपना दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और मेरे पास यहाँ पे फंदे डबल क्रोशेट जो है वो बढ़ गए हैं, तो ये मेरे पास 24 हो गए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूंगी और जो मेरा धागा है वो मैं चेंज करूंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करना है अभी, तो मैं यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर लूंगी और स्लिप स्टिच करूंगी, बाद में आपने ऐसे इसको सेट कर लेना है। और यहीं से मैं 3 चेन लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे 3 चेन ली और अभी मेरे पास यहाँ पे 12 थे, 24 हो गए, अभी मैंने 36 बनाने हैं, 12 और बढ़ाने हैं, तो मैं यहाँ पे एक चेन में तो एक बार डबल क्रोशेट करूंगी और दूसरी चेन में मैं 2 बार, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशेट करूंगी। देखिए ये तो हमने एक बना लिया है, अभी हम जो हमारी दूसरी चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 2 बार डबल क्रोशेट किया, फिर से मैं यहाँ पे एक बार करूंगी और नेक्स्ट चेन में मैं 2 बार करूंगी। इस तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो एक और फिर 2, एक और फिर एक ही चेन में 2, इस तरह से आपके यहाँ तक 36 डबल क्रोशेट हो जाएंगे और आपके पास 12 डबल क्रोशेट यहाँ पे और बढ़ जाएंगे। तो थर्ड रो में भी हमने 12 डबल क्रोशेट बढ़ाने हैं, इसी तरीके से हमने राउंड कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैंने अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर ली है यहाँ तक और मेरे पास यहाँ पे 36 डबल क्रोशेट बन गए हैं। और अभी मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूंगी
और नेक्स्ट रो में हम यहाँ पे और 12 डबल क्रोशेट बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी थ्रेड चेंज करूंगी। देखिए इस तरह से मैंने थ्रेड चेंज किया और तीन मैं चेन लूंगी यहाँ पे, एक दो और तीन। मैंने यहाँ पे तीन चेन ली। अभी मैंने यहाँ पे थर्ड रो में एक बार, एक चेन में एक बार डबल क्रोशेट किया था और दूसरी चेन में दो बार किया था। तो अभी मैं यहाँ पे दो चेन में अलग अलग डबल क्रोशेट करूंगी एक एक बार। जैसे कि एक मेरा तीन जो चेन दी है मैंने, एक तो इसको मैं डबल क्रोशेट में काउंट करूंगी और एक ए हो गया, दो हो गए। और थर्ड चेन में मैं बढ़ाऊंगी तो मैं यहाँ पे दो बार करूंगी इस तरह से। फिर से देखिए अभी नेक्स्ट जो मेरी चेन आएंगी यहाँ पे मैं एक बार करूंगी। एक चेन में मैंने एक बार किया, अगली चेन में भी मैं एक बार करूंगी और तीसरी चेन में मैं दो बार करूंगी, एक बार बढ़ा दूंगी। तो आपने दो बार अलग अलग चेन में एक एक बार डबल क्रोशेट करना है और थर्ड चेन में आपने दो बार डबल क्रोशेट करना है, एक डबल क्रोशेट आपने बढ़ा देना है। तो यहाँ पे आपके पास 48 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। तो आपने पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है और ये हमारी चार रो हो जाएंगी। यहाँ तक हमने अभी बढ़ा लिया है और इसके आगे हम बढ़ाना बंद कर देंगे और सिंपल 48 के ऊपर ही 48 बनाएंगे। तो चार रो में आपने बेसिकली इसको बढ़ाना है। तो ये देखिए मैंने अपनी फोर्थ रो जो है वो कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मेरे पास टोटल 48 डबल क्रोशेट हो गए हैं। और मैंने अभी अपनी जो फिफ्थ लाइन स्टार्ट करनी है उसमें मैंने कुछ भी बढ़ाना नहीं है, सिंपल 48 के ऊपर मैं 48 बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने तीन की एक चेन बनाई हुई है, अभी मैंने बल लिया और नेक्स्ट चेन में मैं एक बार डबल क्रोशेट करूंगी उसके आगे। फिर तो मैंने हर एक चेन में एक एक बार बनाते हुए इस तरह से जाना है और यहाँ पे मैंने कुछ भी बढ़ाना नहीं है। तो मैंने जो ये कैप बनाई हुई है इसकी मैंने टोटल 10 रो बनाई हुई है, तो जिसमें मैंने चार रो में बढ़ाया है और छह रो ऐसे ही बनाई है। तो आप इसके आगे 10 रो तक ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए बिना कुछ भी इंक्रीज किए हुए। तो इस तरह के से आपकी जो जो कैप है इतनी हमने यहां तक ऐसे बढ़ा ली है। अभी हम इसको शेप देंगे, आगे कुछ नहीं बढ़ाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी कैप जो है वो कंप्लीट कर ली है और मेरी टोटल 10 रो यहाँ पे बन गई हैं। और देखिए इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे राउंड स्टार्ट करना है, कैसे इंक्रीज करते हुए जाना है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। और ये बनाने में आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। और आप चाहो तो यहाँ पे दो से ज्यादा भी कलर यूज कर सकते हो। और मैंने देखिए यहाँ पे कैप्स के ऊपर फ्लावर बना के लगाए हुए हैं और मैंने जो छोटे फ्लावर बना के लगाए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे बड़े फ्लावर भी बना के लगा सकते हो। वो अगर आपको यहाँ पे बड़ा फ्लावर बना के लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। और भी किसी तरीके से आप इन कैप्स को जो भी डेकोरेट करना हो आप कर सकते हो। तो ये बनाने में बहुत आसान है, तो इसको आप बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर सकती हो, बड़ी जल्दी ये बन जाती हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।